महाराष्ट्र की तरफ से और एक महा मुकाबले की शुरुआत। आज के दिन का तीसरा मैच है ये। हमारी जनता को बता दे कि जिन्होंने भी अभी तक करे सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करे, शेयर नहीं करा शेयर कर, और ये लीजिए इन ड्रैगन की मुंह से वो ज्वाला निकल रही है। शुरुआती क्षणों में ही वो फिनिशर्स पॉइंट निकाला है, पर टीम फ्रॉस्टी वो भी अपनी तरफ से एक करारा जवाब आज लेके आए हैं। 2-1 का ये स्कोर लाइन फिलहाल के लिए और हो चुका है। समझता हूँ कि भाई चैट सेक्शन में ड्रैगन्स तो लगातार चलते रहना चाहिए, बट स्प्रे गॉड तमे उनके खेमे में है। बिल्कुल, अब देखिए जिस तरह से ये ड्रैगन्स खेलते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हाइड्रा खेलती नजर आ रही है, वो लीड थी इनके पास एक अंक की और वापस से वो एक अंक की लीड। अच्छा वो कम्युनिकेशन देखने को मिला, स्प्रे गॉड आगे गए, उन्होंने कहने के वन ऑन वन टैकल किया पीछे से, स्पर्श का एक अच्छा वहां से कवर ने हील किया, वापस से आगे आए और ये लीजिए अब घातक प्रहार, लीड पे लीड बनाए जा रहे हैं। 3 अंकों की ये लीड बन चुकी है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, परेशान कर दिया है अपने ओपोनेंट्स को फिलहाल के लिए। देखिए बिल्कुल नाक में यहाँ पर जो दम तो कर रखा है, बट फिलहाल टीम फ्रॉस्टी मुझे लगता है यहाँ से जल्द ना वो यही सोच रहे होंगे कि किसी ना किसी तरीके से उभरे और ज्यादा वो डेस्परेशन में जो अंक है वो ना दे, थोड़ा सा समय ले और फिर जो है डाउन करें। और इस बार तो एक से एक अच्छा ड्रॉप शॉट हमारे यहाँ पर जो है बहुत सी टीम्स के लिए ऑलरेडी हो चुका है, तो इस बार वो कार्य कहीं टीम फ्रॉस्टी के लिए नामुमकिन सा रह जाए। बट स्पर्श की बात करें तो चलिए हैज़ार्ड को डाउन करेंगे, वापस से मिलो 1098 की बात करेंगे, क्लोज रेंज बैटल की फाइट, लेकिन इस बार टीम हाइड्रा के लिए जिस तरह से हमें चैट सेक्शन में देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। अगले 7 मिनट तक जो ये मैच चलेगा, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक करें, स्प्रे गॉड इंतजार करते हैं। ये लीजिए फ्रंट फुट से इस बार स्प्रे गॉड मेडलियस को पिक ऑफ किया है, मेडलियस को पिक दाजा होगा नहीं और चिंता का विषय थोड़ा सा कम एचपी पे आगे जाएंगे, मेलोडियस को स्पॉट कर टेक डाउन, बहुत खूबसूरत है, ड्रैगन्स आर लुकिंग जस्ट अनस्टॉपेबल। करी जाए तो भाई चैट सेक्शन में वो ग्रीन ड्रैगन्स के साथ वो हेल हाइड्रा भी लगातार जो है चलते रहना चाहिए, बट इस बार ये अच्छा जंप शॉट और देखी जा रही है 17-10 का ये जो स्कोर लाइन है वो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चिंता का विषय जरूर से रहा है। स्प्रे गॉड भी हमें आगे बढ़ते हुए जरूर से रहा है, बट डैमेज लिया भी है और जिस वजह से ये जो लीड है अंकों की बची है। बिल्कुल अगर बात कर ली जाए रहेगा नहीं, क्योंकि टीम हाइड्रा जिस तरीके से खेल रही है वो अब यही चाह रहे हैं कि हम पहली टीम बने ना इस नॉकआउट राउंड में जो कि 40 अंकों का जो आंकड़ा है वो अपने नाम कर पाए। बट मेलोडियस की बात कर ली जाए कि मौका जो है देना नहीं चाहते, स्प्रे गॉड वापस से आगे बढ़ेंगे, फिलहाल देखिए लगातार कुछ शॉट्स वगैरह जरूर फायर, आप भी बताइए 40 अंक मुझे लग रहा है कि टीम हाइड्रा छूट के दिन में पहली टीम बनेगी जो मेलोडियस दूसरी तरफ यहाँ पे नजर आएंगे। स्पर्श को स्पॉट किया, आखिरी के 3 से 3.5 मिनट में कोशिश यही रहेगी कि लीड को बढ़ाए ना तो घटाए भी नहीं, और एक अच्छा जंप शॉट हज़ार्ड हो सकती है रशन। लेकिन अब भी अगर आप दूसरी तरफ अगर आप देखो तो वो समय भी ना बहुत ज्यादा तेजी से सामने खड़ी जो है वो संघर्ष अभी भी कर रही है। स्प्रे गॉड की बात करी जाए वापस से एचपी जो है बहुत कम करेंगे और आगे का हल्का सा डैमेज दिया, फिर वापस से कवर में यहाँ पर जो आता, ये दोनों ही यहाँ पर जो है डेडली डुओ जो प्रदर्शन है वो करके दिखा रहे, एक आकर्षक प्रदर्शन, और ये हर एक एक जो फ्रॉस्टी अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए जो गेम है वो ओवर हो चुका है और बस अब उनको एक चीज के ऊपर जो है ना छूने। एक चीज जो मैं और देख पा रहा हूँ रशन यहाँ पे वो ये है कि देखिए 6000 लोग जुड़े हुए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है जल्दी से लाइक करें, 6000 का आंकड़ा इस मैच के खत्म होते होते आप सभी पूरा करें, आप जुड़े रहना चाहते हैं इस बैटल को एंजॉय करना चाहते हैं, आप लीड को कम करने की कोशिश जरूर से कर रहे हैं। मेलोडियस उसी तरफ से आएंगे, स्प्रे गॉड स्पर्श कर रहे, बट जिस तरीके से चीजें इस समय फिलहाल बढ़ रही है, बट स्प्रे गॉड देखिए भाई वो मौके पे चौका मार रहे हैं, चांस देना नहीं चाहते अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर, वो बहुत खुलकर खेल रहे हैं, उनको पता है उनको टेंशन नहीं, ये भी जानते हैं और टीम फ्रॉस्टी भी जानती है कि 7 बार एलिमिनेट कर पाना नामुमकिन है, और स्पर्श एक बार एक्सीलेटर पे वो पांव दबा दिया, वो कदम आगे अपना रख दिया तो पीछे मुड़ के देखता नहीं और लगातार अंक अर्जित करते नजर आए, वो एक आधा फिनिश दिया भी उसमें भी समस्या नहीं, बट ये अंतिम 30 सेकंड अब वो 40 का आंकड़ा तो छू भी टू कर पाएंगे। स्पर्श जिस प्रकार से वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहे वो डाउन कर सकते थे, बट हैज़ार्ड केवल 1% एचपी पे, और चलिए स्प्रे गॉड का सही समय पे आना हैज़ार्ड को तो डाउन करेगा ही करेगा, कर चुकी, और ये लीजिए 37 पॉइंट्स के साथ ये जो घंटी है समय की वो भी बजेगी 38 27।